हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज नाजिया जा रही है अपने घर, और अभी वहाँ कोई नहीं। माशाल्लाह, यहाँ पर देखिए सब कुछ रेट। सो कैसी रही फ्रेंड्स आपकी लाइफ? यहाँ मेरा ट्रॉली रेडी हो गया है, ये कुछ सामान है, नकाब निकाल के रखी है। मेरे स्टाइल में यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका से छोला बनाने की। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया डेली रिमाइंडर। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप सबकी दुआ है मैं खैरियत से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सबसे पहले करती हूँ। हमें निकलना था बाहर क्योंकि एक फैमिली फंक्शन था, उसे अटेंड करना था। मीन्स मेरी सिस्टर के ससुराल में पार्टी थी तो वहाँ जाना था, तो उसके लिए मैं सोची क्यों ना कुछ तोहफा ले लूँगा बच्चों का जब मौका हो तो। उसके लिए खास करके बच्चों के लिए कुछ लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम आ गए थे फिर से नेशनल साइकिल मार्ट, और वहाँ से मैं गिफ्ट वहाँ से लेने के बाद निकल गई सीधा घर के लिए। A few moments later, वापसी में बारिश होने लगी तो जनाब मेरे लिए ले लिए चाट, और यहाँ पर गिफ्ट सभी रखा, इसे पैक करना बाकी है। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे बाद में। 4 hours later, माशाल्लाह सिस्टर के ससुराल में दावत थी तो वहाँ हम लोग गए, छोटा सा प्रोग्राम था वो भी अटेंड किए, और ये कुछ ग्लिम्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ डेकोरेशन वगैरह का सब कुछ बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था तो वहाँ का। और ये देखिए यहाँ पर केक, गिफ्ट्स और बच्चे के लिए कुछ खाने के सामान वगैरह थे ये सब, तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। The next day. हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हूँ, बस निकलने में कुछ ही टाइम बचा है, पैकिंग मेरी लगभग हो गई है, तो चलिए अभी मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो ये रहा मिठाई और ये बकर खानी। यहाँ मेरा ट्रॉली रेडी हो गया है, ये कुछ सामान है, वो नकाब निकाल के रखी हूँ, सब कुछ सेट कर ली हूँ। और ये रहा मेरा हैंड पर्स, तो ये भी रेडी हो गया है। तो बस अब रेडी होती हूँ फ्रेंड्स, और अपने रूम को, इस रूम को अलविदा कहती हूँ। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज नाजिया जा रही है अपने घर, और अभी वहाँ कुछ दिन स्टे करने वाली है नाजिया। सो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अकेला होने वाला हूँ, बट जैसा है वो पता है ससुराल नज़दीक है तो आना जाना तो लग ही रहता है। चलो चलिए निकलते हैं। और ये मान लो डिगना चौक के पास एक्सीडेंट हो गया था ऑटो का, तो वहाँ पर जनाब उधर गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर खैर अल्लाह का शुक्र ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा स्टील कंपनी में ब्लास्ट की जो न्यूज़ आया था उसकी वजह से, सो अचानक से न्यूज़ आई हमें, तो देखिए कि साक्षी में, साक्षी मार्केट में TMH हॉस्पिटल में ब्लैकआउट हो गया, तो जिसका रीज़न कल हो के न्यूज़ में मैं पढ़ी। The next day. सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख ही चुके हैं कि मैं आ गई हूँ अपने घर, और जनाब है अपने घर में। वैसे जैसा कि जनाब ने कहा, ससुराल नज़दीक होने के फ़ायदे काफ़ी फ़ायदे हैं कि वो आ ही जाते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ छोला की रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। वैसे मेरे घर में मुझे मेरे हाथ का छोला सभी को पसंद है। सोचिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं जो काबली चना जो है उसे रात भर भिगो कर रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा है, वो सारा को कुकर में डाल दी हूँ। और उसके बाद इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक पहले थोड़ा ऐड करूँगी, उसके बाद आप चाहे तो मसाला में भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम हाई फ्लेम पर रख देंगे। मैं यहाँ पर इंडक्शन को कर दे रही हूँ फुल 2000 पे, और अगर आप गैस में करें तो हाई फ्लेम पे पकाएं, और पानी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि नीचे बैठे ना। और उसके बाद इसे 3 से 4 सीटी लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और बहुत कोई बोलते हैं कि बिरयानी में आलू नहीं पड़ता, इसमें आलू नहीं डालते, उसमें आलू नहीं डालते, लेकिन क्या करें, मुझे तो आलू पसंद है और मेरे घर में भी सभी को, तो मैं हर चीज़ में आलू डालती हूँ। तो इसी तरह से मैं छोला में भी आलू ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़ौरन जो ऐड करने वाली हूँ वो निकाल कर रखी हूँ, और मेरे यहाँ पर कैरी पत्ता मिस है क्योंकि शाम का वक्त हो गया था और मैं पहले तोड़ना भूल गई थी, तो इस वजह से मगरिब की बात तो तोड़ते नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैरी पत्ता नहीं है, बाकी यहाँ पर फ़ौरन है। और ये मसाले के लिए कुछ गर्म मसाला, और यहाँ पर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक पाउडर है, और यहाँ पर मिक्सर में देखिए मैं जार में निकाल कर रखी हूँ लहसुन और घोल की जी। सो इसमें जाने वाला है ये सारा मसाला, और कैसे जाएगा, कब जाएगा, तो वो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बोल की जीरा और लहसुन है वो मैं पीस लूँगी, और इसके बाद इधर देखिए मेरा लगभग ये भी होने वाला है, ये सीटी देना शुरू हो गया।
मैं अब यहाँ पर पैन में डालूंगी सरसों तेल। आप चाहे तो जो तेल आप यूज़ करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं, और आपको जितना तेल रखना है अपने हिसाब से, ज़्यादा या कम। बहुत कोई कम ऑयली खाते हैं इस वजह से। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो पंचफोरन निकाल के रखी थी वो इसमें डालूंगी। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जो लहसुन और जीरा का पाउडर मैं बना के रखी थी पेस्ट, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और देन मैं इसके बाद डालूंगी नमक, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला और छोला मसाला। यहाँ पर अभी इसे ऐड नहीं करना है, पहले देख लेती हूँ यहाँ पर छोला जो मैं डाली थी वो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, गला है कि नहीं। जब ये चेक कर लें, ये जब हो जाए तो मसाला इधर दूसरी तरफ जो भुना हुआ हो जाएगा, तो इसमें जो छोले हैं वो भी मैं ऐड कर दूँगी। देखिए मसाला इसमें अच्छे से पक जाना चाहिए। और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला इसमें टेस्ट के लिए, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और छोले मसाले वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, तो ये दोनों ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ऐसे गैस पर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि ये भी अच्छे से मसाले में उबाल आ जाए। और ये देखिए खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है, तो अब लगभग मेरा रेडी हो गया है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आज बनने वाला है पराठा। वैसे इसके साथ आज भटूरे नहीं बन रहा है, वरना ये तो छोले जो है वो भटूरे के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पर छोले, सो गर्मा गर्म बनकर रेडी हो गया है। मुझे तो देख कर ही मुँह में पानी आ रही है। मैं जा रही हूँ खाने के लिए फ्रेंड्स, और आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट्स में बताइएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है। और जैसे कि फ्रेंड्स जो बाहर में है वो तो काफ़ी परेशान हुए होंगे लास्ट 2 डेज़, और झारखंड में जो सभी तो न्यूज़ में अब तक उन्हें आ ही गया होगा कि झारखंड में 2 दिन जो है वो इंटरनेट बंद था। JSSC के CGL एग्ज़ाम के लेकर पेपर लीक वगैरह होने का ऐसा रहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया गया। आई होप ये स्टूडेंट लोग के लिए बेहतर हो, पब्लिक को तो थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन आई होप स्टूडेंट लोग के लिए ये बेस्ट स्टेप हो। और ये है हंगरी क्या का कुछ क्लिप्स, जो कि मैं आपके साथ इसका फुल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जब जनाब गए थे यहाँ ओपनिंग में उस दिन का। अगर आप नहीं देखे हैं और अभी तक यहाँ विजिट नहीं करें, ज़रूर विजिट करें। और फ्रेंड्स ये तो मैं फिर से घर वापस नहीं आई हूँ, ये पहले का क्लिप्स है, बट एंड लेना मैं ले नहीं पाई हूँ। और आई होप मैं कोशिश करूँगी मैं जल्द से जल्द आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। दुआओं में याद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।